आईपीएल 2023 से पहले चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस के लिए एक साथ आई चार बड़ी अपडेट। इस तारीख से शुरू होगा चेन्नई सुपर किंग्स का प्रैक्टिस कैंप। जानेंगे क्या है पूरी खबर, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्रिकेट से जुड़ी हर एक अपडेट अगर आप सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना न भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आईपीएल 2023 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स का स्क्वाड भी सामने आ चुका है। इस बार हमें चेन्नई की टीम में कई बड़े बदलाव देखने को मिलने वाले हैं। एक तरफ जहां चेन्नई की टीम में 7 बड़े खिलाड़ी शामिल हुए हैं तो दूसरी तरफ हमें प्लेइंग 11 में भी कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ी चार बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। पहली अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स के प्रैक्टिस कैंप को लेकर के। खबरों की माने तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम फरवरी में अपना प्रैक्टिस कैंप शुरू कर सकती है। इस प्रैक्टिस कैंप की शुरुआत में महेंद्र सिंह धोनी और अंबाती रायडू जैसे खिलाड़ी शामिल होंगे जो इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं और साथ ही घरेलू क्रिकेट में नहीं खेलते। हालांकि बाद में चेन्नई सुपर किंग्स के सभी खिलाड़ी इस कैंप का हिस्सा होंगे। यहाँ पर दूसरी बड़ी अपडेट रविन्द्र जडेजा को लेकर के आ रही है। रविंद्र जडेजा पिछले कुछ समय से चोटिल होने की वजह से टीम से बाहर चल रहे हैं। खबरों की माने तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली सीरीज से पहले रविंद्र जडेजा अपनी फिटनेस को हासिल कर लेंगे। यह खबर न सिर्फ टीम इंडिया बल्कि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए भी अच्छी खबर मानी जा रही है, क्योंकि चेन्नई की टीम भी चाहती है कि रविंद्र जडेजा आईपीएल से पहले पूरी तरह से फिट हों। यहां पर तीसरी बड़ी अपडेट महेश तीक्ष्णा को लेकर के आ रही है। खबरों की माने तो प्लेइंग 11 में महेश तीक्ष्णा को शामिल किया जाएगा। यहां पर चौथी बड़ी अपडेट है ओपनिंग जोड़ी को लेकर के। पिछले सीजन में ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे ओपन करते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि आईपीएल 2023 में बेन स्टोक्स के आने के बाद ओपनिंग जोड़ी में हमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। ऋतुराज गायकवाड़ के साथ बेन स्टोक्स ओपन करते हुए नजर आने वाले हैं, तो वहीं डेवन कॉनवे को बतौर ओपनर प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिलेगा। आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग्स की ओपनिंग जोड़ी क्या होनी चाहिए, आप अपनी राय नीचे कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।